नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, दही बल्ला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्टी रेसिपी। दही बल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप दाल ली है, धुली हुई। इस कप को नाप कर मैंने दाल ली है यहाँ पे, और इसको मैंने 12-13 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसको पीस करके तैयार करते हैं। मिक्सी में पीस लेते हैं इसको। यहाँ मैं दाल को पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर, 1-2 घूंट के बराबर। ये बिल्कुल ठंडा पानी है, जिससे कि हमारी दाल आसानी से पिस जाएगी। यहाँ हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है इसका। अब इसको हम एक बड़े बाउल में निकालते हैं। और अब हम इसको अच्छे से फेटेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक 1/4 चम्मच, और इसको मिक्स करते हुए हम अच्छे से इसको मिला देंगे। और एक ही साइड में चलाते हुए हम इस घोल को लगातार 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही घोलेंगे। और यहां पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हम वो घोल तैयार करेंगे, हमारा तेल गर्म हो जाएगा। दो तीन मिनट हो चुके हैं मुझे ऐसे ही घोलते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी मीठा सोडा और इसको फिर से घोल देंगे। लगातार चलाते हुए इसको 4-5 मिनट के लिए और घोलेंगे। तो यहां पर बैटर मेरा तैयार है। बैटर ऐसा होना चाहिए। अगर आपका बैटर पतला है तो आप उसमें 1-2 चम्मच बेसन डाल दीजिए और ऐसा थिक रखिए। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये बल्ले। हमें जैसे हम पकोड़े के लिए तेल गर्म करते हैं, वैसा ही गर्म तेल चाहिए। और फटाफट से डाल देते हैं। इनको पलट लेते हैं। बल्ले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक थाली में।
तो बल्ले मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इनको भी निकाल लेंगे। और एक कप दाल में देखो कितने सारे बल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। दही बल्लों को मैंने डाल दिया पानी में। दही बल्लों को पानी में तभी डालना है जब ये थोड़े से गर्म हो, ज्यादा तेज गर्म नहीं डालने हैं पानी में। अगर हम ज्यादा तेज रहेंगे और उनको पानी में डाल देंगे तो वो टूट जाएंगी। फिर हल्के गर्म होने चाहिए और पानी बिल्कुल सिंपल रखना है, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल पानी। और इनको हम भीगने देते हैं 5-7 मिनट, उसके बाद हम इनका पानी चेंज करेंगे। हम 3 बार इनका पानी चेंज करेंगे। बल्ले हम बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में और जब हमें जरूरत पड़े तो हम इनको डाल देंगे दही के अंदर, इसलिए हम पहले से ही इनको पानी के अंदर नहीं डालेंगे। जो मैंने रख लिए हैं एक्स्ट्रा है, हम उनको बचा के रख लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन बल्लों को निकाल लेंगे इस पानी से हल्का हल्का निचोड़ते हुए। और एक बार फिर से डाल देंगे इसको पानी में। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे बाहर। और अब इसको 5 मिनट के लिए और डालेंगे पानी में एक बार फिर से, तीसरी बार। उसके बाद हमारे बल्ले तैयार हो जाएंगे दही में जाने के लिए। और अब तीसरी बार और डालते हैं हम पानी में, ये आखिरी बार है। पांच मिनट हो चुके हैं, बल्लों को हम निकाल लेंगे पानी में से और इनको अच्छे से निचोड़ देंगे पानी को बिल्कुल। तो बल्ले तो मेरे रेडी हो चुके हैं, अब हम दही और तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1 kg दही, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा और अब इसको हम मथ लेंगे। दही मेरा बनकर तैयार है, तो अब सर्व करेंगे हम हमारे दही बल्ले। इस प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से दही।
और अब इसके ऊपर डालेंगे हम इमली की चटनी। इमली की चटनी का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसकी रेसिपी देख सकते हो। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी चटनी। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। और ये जो मैंने हरी चटनी बनाई है इसको मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, 2-3 मिर्च हरी मिर्ची, 2-3, और 2 कलियां लहसुन की, और थोड़ा सा दही डाल के इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये अनार के दाने। और अब हम डालेंगे बीकानेरी भुजिया। और तैयार है हमारी प्लेट बिल्कुल परोसने के लिए। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर पे ये टेस्टी दही भल्ले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला। तो उन्हें कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अच्छा अच्छा खाना खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।